हाई गाईज़ गुड मॉर्निंग टूडेज वीडियो विल गिव द अलर्ट अबाउट ऑल द एग्जामिनेशन फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन बिकॉज टाइमलाइन जो रिमेनिंग है सारे एग्जाम्स को लेकर दैट इज़ अप्रॉसिमेट फाइव टू सिक्स मंथ ओके नवम्बर मेड इज ऑन गोइंग एम बी ए के एंट्रेंसेस चालू हो गए तो मार्च तक सारे खत्म हो जाएंगे फॉलोड बाई और ऑल द सी टी एग्जाम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स उसके बाद आपका बी बी ए के एंट्रेंस होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे थ्री ईयर्स सी टी बी एड सी टी मैक्सिमम मे जाएगा आप ये पकड़ के चलो या तो फर्स्ट वीक ऑफ मिड ऑफ जून तक सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे एंड मेन अगर आप ट्वेल्थ बोर्ड में हो या आपके ग्रेजुएशन बोर्ड में हो सो दोनों एग्जाम आपको बैलेंस करने हैं सो दैट इज़ अनदर चैलेंज अनदर टास्क जो आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन ओके सो ये टाइम लाइन समझ लो अलर्ट समझ लो भाई कि टाइम कम है पढ़ाई चालू कर देनी है नंबर वन नंबर टू आपके जो एंट्रेंस के स्कोर पे आपको मेजरली जो आपके एडमिशन है वो एंट्रेंस के स्कोर पे मिलेंगे सी में तो पूरा उस पर ही डिपेंड है बाकी के एग्जाम में हर एग्जाम में वेरी करता है तो काइंडली चेक दी सेलेक्शन प्रोसेस एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला फॉर विच अवर कोर्सेज हुआ प्लानिंग फॉर वेदर एम बी एम सी ए बी एड लॉ बी बी ए होटल मैनेजमेंट जो भी कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो फिर बाद में कॉलेज से आउट होने के बाद रिग्रेट वाला जो फीलिंग है वो नहीं होना चाहिए दैट इज़ वाई

So five to six months start your preparation. All the best.